अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ड्राइव करेंगे वेव इक्वेशन, जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में भी आ जाता है। वेव इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम ये हमने एक रोप ली हुई है, ठीक है। ये फिगर भी है, इस फिगर पे आ जाएं। ये एक रोप है और इस पर फोर्सेस लग रही हैं टेंशन की, जो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है, तो यहाँ हमने ये करना है कि हमने ना लेंथ ले ली है, फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको डेल्टा एक्स कह दें, और ये फोर्स और ये फोर्स। अब हमने ये जो दो टेंशन की फोर्सेस लग रही हैं, इनके कंपोनेंट्स बना लिए। ये फोर्स लग रही है इस तरफ, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक ये। इसी तरह ये फोर्स इस तरफ लग रही है, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल बन जाएगा। और इसमें ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स हैं, ये कैंसल आउट हो रहे हैं। आप देखें ये इक्वल हैं और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन आप देखें वर्टिकल कंपोनेंट्स अपोजिट तो हैं, लेकिन ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इसकी लेंथ ज़्यादा, उसकी कम है, या हो सकता है वो बड़ा हो ये छोटा हो। तो इसके लिए हम नेट फोर्स जब निकालते हैं तो वो फोर्स आ जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट्स के डिफरेंस के। तो अगर इसको हम F कह दें तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका एंगल थीटा 1 है, इसका बनेगा, ये बनेगा F साइन थीटा 1, और ये वाली फोर्स बनेगी, कंपोनेंट बनेगा F साइन थीटा 2। तो नेट इनके डिफरेंस के इक्वल आएगा। हम यहाँ लिख देंगे, अब देखें ये हमने यहाँ लिख दिया है, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस F साइन थीटा 2 माइनस F साइन थीटा 1। हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कंसिडर एन एलिमेंट डेल्टा एक्स ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी यू दैट इज केप्ट अंडर टेंशन। ए पासिंग वेव डिस्प्लेसेस द स्ट्रिंग एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन वाई इक्वल्स टू जीरो एज शोन इन फिगर टू डिटरमाइन द ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन फॉर दिस स्ट्रिंग एलिमेंट वी सी दैट टू फोर्सेज टू एंड्स 1 and 2 of the string element are acted upon by two forces F and F exerted by the remaining portion of the string on its either side। तो इन पर ये जो दो forces लग रही हैं, बाकी रस्सी जो है वो लगा रही है, यानी हर रस्सी का हर portion दूसरे portion पर force लगा रहा होता है। These forces have equal magnitudes because the tension is evenly distributed along the string। इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन एंगल में थोड़ा सा, दे हैव स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शंस एक्टिंग टेंजेंट टू द स्ट्रिंग, ठीक है, एट पॉइंट्स। तो ये जो है इनमें फ़र्क है डायरेक्शन में, और ये टेंजेंट डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स के ऊपर जो हमने लिए हैं। तो नेट फोर्स उसने लिखा कि किसके बराबर होगी, तो वो हमने देख लिया कि वो एफ वर्टिकल कंपोनेंट्स का जो डिफरेंस आएगा, थीटा वन पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें ये करेंगे, कंसिडरिंग द डिस्प्लेसमेंट, हम ये करेंगे कि जो इसमें साइन थीटा हमने लिखा है, साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1, ठीक है, ये हमने साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 लिखा है, इनकी जगह अगर एंगल स्मॉल हो तो इनकी जगह पर हम टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, 0 से 10 डिग्री तक अलाउड है, इनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं। अच्छा, और अगर हम इसमें टेन थीटा लिख देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी एफ टेन थीटा 2 माइनस एफ टेन थीटा 1। एफ कॉमन ले लें, टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1, इसको हमने लिख दिया डेल्टा टेन थीटा। तो ये हमारे पास फोर्स की इक्वेशन आ गई, इसको यहीं पर छोड़ दें। ये हम न्यूटन सेकेंड लॉ में पुट करेंगे बाद में, एफ इजिकल टू एम ए, लेकिन उसकी दूसरी साइड एम ए है, उसमें मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मास किसके इक्वल होता है, ये हमने लिख भी दिया यहाँ पर, इन्होंने पहले ही कर दिया है, तो हम लिखेंगे ये न्यूटन सेकेंड लॉ हमने लिख दिया, और फिर हमने इसमें एफ की कीमत लिख दी जो हमने पहले ऊपर निकाली हुई है, ये वाली, और दूसरी तरफ है एम ए। तो डेल्टा एम रस्सी जो एलिमेंट है, स्ट्रिंग एलिमेंट, उसका मास है, उसकी लीनियर डेंसिटी यू है, तो ये हो जाएगा यू डी एक्स, यानी लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो डेल्टा एम ओवर डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल्स टू यू डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ डेल्टा आएगा। अच्छा, इसके बाद हमने लिख दिया नीचे स्टेप में,
और फिर हमने दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया, इसको हमने पहले लिख दिया, तो यह आ जाएगा, यानी इस साइड को टेन थीटा वाली साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, और एफ जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा यू ओवर एफ इंटू ए वाई। और ये जो टेन थीटा होता है ये स्लोप के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि ये स्लोप के बराबर होता है। और एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस की तरफ है तो इसलिए हम वाई का लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमने इसमें टेन थीटा को पुट कर दिया, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स स्लोप के इक्वल होता है, और एक्सेलरेशन के लिए हमने वाई का डबल डेरिवेटिव लिख दिया टाइम के लिहाज से। तो ये डेल ओवर डेल्टा एक्स पहले भी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और इधर यू ओवर एफ डेल स्क्वायर ओवर, इसको हम लिखेंगे पार्शल या कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली टी, ये पार्शल डेरिवेटिव है वाई का, क्योंकि y जो है वो ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है। और आगे इन्होंने कहा कि हम यहाँ लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेंगे तो सिंपल लिमिट इसलिए ली है ताकि ये जो डेल है इसको हम डेरिवेटिव में चेंज कर सकें। और फिजिकली इसका मतलब ये है कि लेंथ की रोप की लेंथ जो है वो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी उतना एक्यूरेसी इक्वेशन में बढ़ जाएगी, यानी हमने एलिमेंट बहुत स्मॉल लेना है, अगर बड़ा एलिमेंट लेंगे तो फिर उसके लिए ये कैलकुलेशंस एक्यूरेट नहीं होंगी या ये कैलकुलेशंस उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो ये हमने लिमिट ले ली, तो ये डेल्टा जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब हमने पढ़ा है कि वी होता है यू ओवर एफ ओवर यू अंडर रूट, ठीक है, तो हमने वी की जगह पुट कर दिया, हम यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे इसकी ये हो जाएगी स्केयर लेंगे, तो u ओवर f है तो उसको उलट करेंगे तो 1 ओवर v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग वेव। तो ये हमने यही ड्राइव करनी थी इस टॉपिक में, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।